भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी महेंद्र पाल गुर्जर ने आज उपमंडला अधिकारी नालागढ़ का कार्यभार संभाल लिया है। वर्ष 2018 बैच के आईएएस अधिकारी महेंद्र पाल गुर्जर इससे पहले कार्यकारी अधिकारी मनाली, खंड विकास अधिकारी कुल्लू तथा अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी कुल्लू के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नालागढ़ में उपमंडला अधिकारी का कार्यभार संभालने के अवसर पर अपनी प्राथमिकताओं के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बचाव व इसकी रोकथाम उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण के साथ साथ देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में उद्योग व व्यापार का सुचारू संचालन भी उनकी प्रमुख प्राथमिकता है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको बताए कि भारत जो पूरा देश ही कोविड महामारी से जूझ रहा है, तो अभी हमारी पहली प्राथमिकता है वो है इस केसेस को, जो संक्रमण है उसको अधिक फैलने से रोकना। और साथ ही साथ हमारी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर लोगों की रोजगार का नुकसान ना हो या अर्थव्यवस्था का है वो नुकसान ना हो, तो इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश हमारी रहेगी। और यही प्रयास रहेगा कि संक्रमण को भी रोक पाएँ और साथ ही हमारी निर्बाध रूप से हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो भी चलती रहे। सर, मैं राजस्थान से हूँ, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, और मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो कुल्लू में, मैंने एक साल अपना प्रोबेशन का निकाला है। कुल्लू में मैं यू मनाली वीडियो कुल्लू और एडीएम कुल्लू रह चुका हूँ। इसके बाद इंडिपेंडेंट रूप से एसडीएम आज नालागढ़ का कार्यभार संभाला है। चूँकि हमने पास को अभी इतना लिबरल बना दिया है और पास में अगर वैलिड रीजन है तो हम उसको वैसे ही टाइमली इम्प्रूव कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा इश्यू होना चाहिए। और अगर फिर भी हमारे ध्यान में ऐसा कोई मामला आता है जिनको कोई तकलीफ या समस्या हो रही है तो हम प्रोएक्टिवली स्टेप लेके उनका समाधान करेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।